हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह मोहली। मेरे चैनल गोल्ड और प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है, बहुत विशेष टॉपिक है, इंडियन ब्रेन आर किडनैप्ड। लोगों के दिमाग ही किडनैप कर लिए गए, लोगों के दिमाग को स्विच ऑफ कर दिया गया, लोगों के दिमागों के ऊपर पर्दा डाल दिया गया। किस तरीके से, किन्होंने डाला, इसके बारे में बात करूंगा। यह सबसे पहले यदि हम यंगस्टर की बात लें, छोटे बच्चों की बात लें, छोटे बच्चे कार्टून देखने से शुरू होते हैं। चलो ठीक है, बच्चों का मन होता है, कार्टून देख सकते हैं वो थोड़ी बहुत टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कार्टून देखते हुए देखने में बिताना ये घातक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद गेम्स हैं, और आप ये देख रहे हो गेम्स कितने खतरनाक रूप गेम्स ने हमारे बच्चों में, मतलब खतरनाक रूप की एक समस्या बच्चों में डाल दी है। मैंने एक वीडियो देखा, फेसबुक पे भी आया था, तो वो बच्चा मतलब पता नहीं किस तरीके से बेहोश पड़ा यार। उसके हाथ ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मतलब वो जैसे उसमें पिस्टल से गोली चलाता, मतलब उसमें चलाते हैं जैसे गेम में, तो उस तरीके से वो बेहोश हुआ पड़ा भी ऐसे कर रहा है। कितना दिमाग पर उसके ये बात छा गई है। उसके बाद हमारा फेसबुक पे, इंस्टा पे पता नहीं कितना टाइम गुजरता है, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे इसके ऊपर चलते हैं। हाँ, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हो तो मैं कहता हूँ 5 घंटे भी, 10 घंटे भी आप कंप्यूटर को दे सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन को दे सकते हो, इंस्टा को दे सकते हो। इंस्टा पर छोटी छोटी रील डालने का ये फार्मूला पता नहीं किसने, मतलब कैसे याद हो गया। मौज में पहले टिकटॉक होता था, फिर पता नहीं टकाटक है, पता नहीं क्या है, छोटी छोटी वीडियो डालने वाले बंदे, पता नहीं कितने नौजवान इसके ऊपर लगे हुए हैं। लोगों के फॉलोअर तो बढ़ते रहते हैं उसमें, लेकिन लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, लोगों के दिमाग कहाँ लगे, उनको भी क्या फ़ायदा होगा। यदि चलो वो थोड़े फॉर द टाइम बिंग थोड़े पैसे कमा लेंगे तो बात अलग है, अदरवाइज क्या इस बात का क्या फ़ायदा उनका, उनकी मेंटल ग्रोथ कहाँ जा रही है उनकी, जो लोग इसको देख रहे हैं। बनाने वाला तो बना रहा है, जो लोग देख रहे हैं उनकी मेंटल ग्रोथ का क्या होगा। मैंने पंजाब में 2-3 ऐसे बंदे हैं जिनको देख के ही मतलब कोई अलग तरीके की फीलिंग आती है। वो स्टार बने हुए हैं, टिकटॉक स्टार हैं, वो दूसरे स्टार हैं, उनको देखने को मन नहीं करता, उनकी शक्लें देखने को मन नहीं करता। और यदि आप उनसे बात करो कोई, तो बात का कोई जवाब नहीं है। हम लोग इतने मंदबुद्धि हो गए कि उन मंदबुद्धियों को ही हमने स्टार बना दिया। हम मंदबुद्धि होके उन लोगों को, जो बिल्कुल मंदबुद्धि हैं, जो किसी भी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते, उनको हमने स्टार बना रखा है। 3-3, 4-4 लाख, 10-10 लाख फॉलोअर उनके बने हुए हैं। यूट्यूब के पीछे एक बिल्कुल निकम्मा सा बंदा है, उसके 3.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जबकि एजुकेशन वाले जितना जोर लगा रहे हैं तो उनके सब्सक्राइबर लाख भी नहीं आ रहे, मतलब 10-10 साल से लगे उनके लाख नहीं। जो टाइम खराब कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं, हम बकवास को सुनने का हमें क्यों रस मिलने लग गया यार। हमारा ये इसलिए मिलने लगा कि हमारा जो ब्रेन है वो किडनैप हो गए हैं। हम मानसिक तौर पर गुलाम हो पड़े हैं, हम सोच ही नहीं पा रहे कि हमें मानसिक तौर पर करना क्या चाहिए यार, हमें चाहिए क्या, यही नहीं सोच पा रहे, कर क्या रहे हैं, पहुँचना कहाँ है, हमें मंजिल ही क्लियर नहीं है। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर आप देख लो जितना भी ज्ञान झाड़ते हैं लोग, ये कर लो वो कर लो, 1 मिनट में कोई वीडियो आ जाएगी, 1 मिनट में कोई, तो ऐसी वीडियो बेहुदा वीडियो आती हैं, इसको 5 बार शेयर करो, 10 लोगों को शेयर करो, ये खुशखबरी मिलेगी, ये आपको ऐसे हो जाएगा, ये पता नहीं क्या, मतलब मैं तो समझता हूँ कि ये लोगों का मानसिक दिवालियापन ही है। तो इस बात से हमें बचने की ज़रूरत है दोस्तों। यदि आप इस एक्टिविटी में एक्टिवली इन्वॉल्वड हो तो आप ध्यान रखो यार। यदि आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो भी ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे कंटेंट का सामने वाले को फ़ायदा नहीं है कोई यार। यदि कितना अच्छा हो कि आप इतना बढ़िया कोई कंटेंट दो, सामने वाले को कोई मैसेज मिले, सामने वाला सुधरे, सामने वाला तरक्की करे ज़िंदगी में, ऐसी कोई कंटेंट तैयार कर लो आप। यदि नहीं होता तो कम से कम गंद तो ना डालो यार नेट के ऊपर, गंदर हमारे जो नौजवान हैं उनका क्या टीचा क्या है। हमें जब का जियो आया है, हमें 1.5 GB रोज़ मिलता है फ्री में, मैं 719 रुपये का शायद आजकल रिचार्ज हो रहा है, उसमें 1.5 GB रोज़ मिलता है। हमारा टारगेट ही 1.5 GB ख़त्म करने का है, और कोई टारगेट नहीं हमने ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ बड़ा सोचना है नहीं सोचना, नहीं, हम सिर्फ 1.5 GB 2 GB जो हमें डाटा मिलता है उसको कैसे ख़त्म करते हैं। वो डाटा ख़त्म करते करते हमारे घर में पीपे में आटा ख़त्म हो गया, लेकिन हम फिर भी नहीं सोच रहे।
तो ये हमारा दिमाग किडनैप नहीं तो क्या है, हमें मानसिक तौर पर गुलाम नहीं बनाया गया तो क्या है ये? तो उसके बाद फिर हाइपनोटाइज बाय बाबाज, बाबाज के जो मैं कहता हूँ पंजाब में, और मेरा ख्याल पंजाब और इंडिया में भी ये बात कह सकता हूँ, पंजाब में तो मैं आंखों देखता हूँ कि हर संडे लोग अपने घर पर छुट्टी वाले दिन किसी बाबा के पास जा रही हैं, किसी डेरे में मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं, कहीं और जा रही हैं, कोई धार्मिक स्थान पर जा रही हैं। ठीक है, धार्मिक आस्था है आपकी, गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, जाए आओ 10 मिनट यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पूरे का पूरा ही, मतलब उसमें पूरे का पूरा दिन ही खराब वो लगा देना है, पूरे का पूरा संडे ही खराब कर देना है, तो ये बात जस्टिफाई नहीं होती। यदि आप इस तरीके को से चलते रहोगे तो आपका टाइम का कितना नुकसान है। मैं एक ऐसे लेडी को जानता हूँ जो मोहाली से जलंधर जाती थी संडे को, मतलब 150 किलोमीटर जलंधर है और आगे 5-6 किलोमीटर आगे है कुछ जो धार्मिक स्थान है, उस पर जाना और रोज़ जाना, लोगों मतलब हर संडे जाना, लोगों को लेके जाना, मतलब फिर ये बताना कि मैं बहुत ज़्यादा ये, यदि आप करोगे तो भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा होगी, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे, जबकि वो 10 साल से एक स्कूटर तक नहीं खरीद सकी आप। तो ये लोगों का मतलब, ये लोग हमें जब आके बात करते हैं तो मैं तो उनसे सवाल करता हूँ, हो सकता है आप सवाल ना करते हो, आप भी सवाल करके देखो उनको यार, यदि आप उनसे सवाल करना सीख जाओगे तो फिर आप हो सकता है वो भी थोड़ा सुधर जाएं, ये आपका समाज की भलाई में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप उनसे सवाल करो कि तेरे को क्या मिला यार। मैं ये नहीं कहता कि गुरुद्वारे नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, जाओ जितनी श्रद्धा है जाओ, आस्था है जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि सारे काम छोड़ के वहीं बैठ जाओ। कई बाबे वहाँ पर बैठे हैं, वो औरत के हाथ मत्थे पे हाथ लगाते हैं और उड़ोड़ करके मतलब बेहोश हो जाती हो, वट इज़ दिस नॉनसेंस यार। किसी में ताकत है तो फिर मेरे जैसे आदमी के साथ आके ऐसे करके दिखाओ मेरे को कि मेरे मत्थे पे हाथ लगाओ, मेरे में भूत या जिन मेरे में प्रवेश करवा दो, मेरे को हिप्नोटाइज करके दिखा दो यार। ये सब बकवास है, उन वो लोग चलाक लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं, वो चलाक लोग हैं, वो आपको बुद्धू बनाते हैं और हम बुद्धू बनते हैं, क्योंकि जो वहाँ हम देखने को मिला है वो लोगों का जो मेंटल लेवल है या फिर अपने दूसरा सोशल लेवल है या फाइनेंशियल लेवल है बहुत कम उसका है, मतलब ये नहीं कि बहुत वेल ऑफ है, वो गरीब फैमिली है, गरीब फैमिली सोच ही नहीं सकते, पहले तो उनके पास पढ़ाई नहीं है, यदि पढ़ाई है तो रैशनल पढ़ाई नहीं है, मतलब कोई किसी के पीछे की बात के पीछे बात जानना या सीन के पीछे सीन जानने की कोशिश करना वो नहीं है, जहाँ जैसे लगता है उसी तरीके से वो करते हैं। मैंने वीडियो देखी थी एक, उसमें पता नहीं कितने मतलब बाल खंडा के वो ऐसा मतलब रुद्र रूप उन्होंने धारा हुआ औरतों ने, तो ये देख देख के हंसी भी आती है और देख के शर्म भी आती है। हम कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं, हम कौन से चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, हम तो यही उलझे पड़े हैं, हमारा ब्रेन ही किडनैप हो गया इस बात से यार। ओ भाई लौट आओ यार, इसमें नहीं कुछ रखा, आप तर्क से बात करो, सोच के बात करो, नॉलेज से बात करो, अप्लाई करो ज़िंदगी में नॉलेज, ताकि आपकी तरक्की हो सके। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कैसे कैसे काम होगा आपका। हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं हम, क्या हम डेरे में संत बनाना चाहते हैं उसको, क्या हम साथ वो बनाना चाहते हैं जो डेरे में बैठते हैं, हम मुखी बनाना चाहते हैं, डेरा मुखी जो भी संत वहाँ पर बैठे हैं, जो सो कॉल्ड संत जिनको स्वयंभू संत भी कहा जाता है, उनको पता है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। भाई हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये सारा दिन ये काम करना और अपना जो वो उसकी बात बता रहा लेडी की 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है और संडे चार संडे पांच संडे आते हैं 200-300 रुपया एक तरफ का लगता ही होगा, 200-300-400 रुपये लगा के 1,000-2,000-3,000 उधर मतलब ख़राब करके आ जाना है। तो ये इस बात का हमने ध्यान रखना है, आस्था रखनी घर में रखनी है, कोई यहाँ आसपास भी तो आपके मंदिर गुरुद्वारे हो सकते हैं, यहाँ चले जाओ, वहाँ इतनी दूर जाने की ज़रूरत है। तो जब मेरे को कहा कि तुम भी चलो, वो ऐसे करेंगे आपकी प्रेयर करवा देंगे या ये कर देंगे, तो मैंने कहा भाई मैंने नहीं जाना, मेरे प्रेयर करके या मेरे के लिए अरदास करके क्या करोगे आप, तो पहले अपने लिए क्यों नहीं करवाई, तुम क्यों नहीं अभी तक इस 2-व्हीलर भी नहीं ले सके, तुम अभी तक कार क्यों नहीं ले सके, तुम अपना घर क्यों नहीं ले सके अभी तक। तो ये मतलब हमें लोगों का दिमाग ही किडनैप कर लिया लोगों ने यार, बहुत अफसोस की बात है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं जिनका दिमाग से मतलब उनका दिमाग ही खोखला कर दिया, उनके दिमाग में भूसा भर दिया उनके यार।
तो हमें बचने की ज़रूरत है। और आगे जो जो अगली बात है, ड्रग एडिक्शन है, जो हमारे बच्चे हैं 18-20 साल के, 25-25 साल के, जब नौकरी नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता, तो वो बच्चे भटक जाते हैं रास्ते से। भटकने के बाद कहीं वो जा रहे हैं अपना, कोई नशा करने लग गया, कोई और किसी तरीके का करने लग गया, अंत में क्या होता है, वो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है यार, डिप्रेशन में जाके ख़राब हो जाती है, माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। माँ बाप ने कितने लाड़ प्यार से बच्चों को पाला है, और बच्चा जाके फिर ड्रग एडिक्टेड हो गया, कोई और उसको नशे पते पर लग गया, वो तो क्या बनेगा उसका यार। हम क्या कर रहे हैं भाई, इन्होंने तो, इनकी तो दुकानदारी है जो वहाँ पर जहाँ पर हम जाते हैं, इनके दुकानदारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को, तो व्हाट्सएप तो पैसे कमा रहा है हमारे से, फेसबुक पैसे कमा रही है, ये सारे जो है गेम्स वाले पैसे कमा रहे हैं, ये बाबे हमारे से पैसे कमा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा इससे, हमें अपना सिर्फ दिमाग ख़राब करने का मटेरियल मिल रहा है, दिमाग ख़राब करने का मटेरियल। दिमाग ख़राब नहीं करना भाई, हमने नहीं करना, अपने आप को सुधारो, अपने आप को लाइन पे लेके आओ, सोचने की आदत डालो। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप सोचने की आदत डालोगे तो आपकी तरक्की होनी है, नहीं तो नहीं होनी। थिंक टैंक कैसे बनना है, इसके ऊपर बात करो किसी के साथ, जो लोग समाज में काम कर रहे हैं इस तरीके के ऊपर, पढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आपकी डेवलपमेंट, आपकी मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, उनके पीछे लोगो यार, इन्होंने तो कुछ नहीं देना, इनकी दुकानें खूब भरी हुई हैं, क्योंकि एक कोई डेरे पर कोई बाबा बैठा है, यदि हम 10,000 अपने 1,000 बंदा 2,000 बंदा भी आता है उसमें, 2,000 बंदा 20-20, 50-50 रुपए चढ़ाएगा तो उनके पास फिर 10-20 हज़ार रुपए इकट्ठा हो जाएगा, वो आपके पैसे पर ऐश कर रहे हैं, तो आप उनके पीछे लगे हुए कि हमें फ्यूचर में जो ऊपर वाले हमारे स्वर्ग में हमारा प्लॉट कैसे बुक होगा, ये जन्म तो हमारा खराब हो रहा है और अगले जन्म को हमने कैसे सुधार रहे हैं। भाई अगला जन्म किसी ने नहीं देखा, गुरबाणी में लिखा है ये जग मिठा अगला किन डीठा, मतलब अगला किसने देखा है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हमने इसी जन्म को ठीक करना है, ये जन्म ठीक हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, जब हमारा यही जन्म खराब हो गया तो अगला जन्म तो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। सो हमने इन बातों से बचना है, ये 2-3 बातें मेरे मन में थी, गुस्सा था मेरे मन में कि मैं ये बातें आपके साथ शेयर करूं, तो ताकि ये बातों के साथ आप, मैं जो गुस्से से बोल रहा हूं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ आ सके। यदि आपको ये बातें मेरी समझ आ जाएंगी तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपको एक नई दिशा मिल जाएगी, सोचने की नई दिशा मिल जाएगी। जिस दिन आपकी दिशा नई हो जाएगी तो उस दिन आपकी दशा भी नई हो जाएगी। इस तरीके से आपने अपने आप को सेल्फ पड़चोल करनी है, खुद की पड़चोल करनी है। पड़चोल का मतलब चिंतन करना है, मंथन करना है, सोचना है, पीछे नहीं लगना किसी के, बिल्कुल नहीं लगना पीछे। मेरे पीछे भी मत लगो, मेरे को भी सोचो कि मैं आपको कहीं मूर्ख तो नहीं बना रहा, क्या मेरी ऐसी बातें करने का कोई मकसद ये तो नहीं कि मेरा इनमें इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि राजवंश सिंह मोहाली का इस बात से ये फ़ायदा है तो मेरे पीछे मत लगना। यदि आपको लगे कि हाँ मेरी बात ठीक है तो मेरे पीछे लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थिंक टैंक बनाना चाहता हूँ यार, मैं सोचने का मशीन बनाना चाहता हूँ आपको, जो सोच सके और सोच के बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सके। आज के लिए इतने ही, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा जरूर करना। आगे का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, नई वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाओ। इस तरीके की बातें सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से, आपके साथ हर तरीके के इंसाफ हो तो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, तो आपने अपनी डायरेक्शन है, जो अपनी दिशा है उसको ठीक करना है। इसी उम्मीद के साथ आज के टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंश सिंह मोहाली, थैंक यू।